नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना के कई वेरिएंट झेलने के बाद अब दुनिया के ऊपर H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी का खतरा बन रहा है, जिसे लेकर अब WHO ने दुनिया भर को अलर्ट रहने की सलाह दे डाली है। H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा नामक जानलेवा बीमारी को लेकर रीवा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीमारी से निपटने के लिए पहले से अस्पताल में इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक इस बीमारी के संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि इसकी चपेट में बच्चे अधिक आ सकते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स भी सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ निमोनिया होना बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से कोविड के ही लक्षण है। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि जिस तरह के निर्देश मिले हैं, यह बीमारी भी काफी खतरनाक है, जिसकी जद में अधिकांश बच्चे आ रहे हैं। शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब अस्पताल में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गनीमत की बात है कि अभी तक इस तरह का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, फिर भी चिकित्सकों के दल को अलर्ट किया गया है और बच्चों के लिए 10 बेड का ICU पहले से रिजर्व रखे गए हैं। डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि इस बीमारी के लक्षण भी कोरोना के जैसे ही हैं। यदि इस तरह के लक्षण किसी बच्चे या अन्य लोगों में पाए जाते हैं तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। आपको बता दें कि चीन का मतलब रहस्यमय बीमारी, रहस्यमय शोध और ऐसे माहौल लोगों की टेंशन को बढ़ाता है। खासकर कोरोना महामारी के बाद से तो चीन पर यह ठप्पा और भी मजबूत हो गया है। अब चीन में रहस्यमय निमोनिया का अचानक प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना की तरह यह बीमारी भी तेजी से फैल गई है। बताया जा रहा है कि इस बीमारी से मुख्य रूप से स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। चीन के कई अस्पताल निमोनिया से पीड़ित बच्चों से भरे हुए हैं। अब ऐसे में दुनिया को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि कोविड काल में की गई लापरवाही इस बार ना बरती जाए, जिसे लेकर पहले से ही पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा है और जैसे लास्ट टाइम कोविड आया था उसी से गाइडलाइन है। अभी वर्तमान में जो इन्फ्लुएंजा वहाँ पर है चाइना में देखने में बच्चों में है, तो हमने पहले भी जब थर्ड वेव थी उस दौरान भी हम लोगों ने बच्चों के लिए 10 बेड का एक सेपरेट ICU रखा था और 3 उसके पास ही में नॉन ऑक्सीजन बेड जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसके बाद में शिफ्ट करने के लिए वो रखा था। और टोटल हमारे अभी संजय गांधी में जो 792 बेड की हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड है हमारे पास, जिसमें लगा रखा है हम लोगों ने, तो बेड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फेज़ 1 में हम लोगों ने पहले 240 बेड का इंतजाम रखा था टोटली, और अगर मान लो अधिक से अधिक एडल्ट पेशेंट आते हैं और बच्चों के लिए हम लोगों ने 10 बेड का एक बना रखा है, तो वहाँ पर यूनिट इंचार्ज को ये सब बता रखा है कि व्यवस्था करने के लिए। जहाँ तक के एंटीवायरल ड्रग का सवाल है तो उसके लिए हम लोगों ने जो दवाइयाँ ख़त्म हो गई है उसको पुनः मंगाया है, और हम लोग पहले हमारा स्टाफ, हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय कोविड के रहते पहले की तुलना में अब जो है उनमें अवेयरनेस अभी है। पहले जब कोविड आया था तो किसी को इतना नॉलेज नहीं था कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए, लेकिन अब सब लोग पारंगत हो गए हैं, तो अब अगर वेव्स आती है तो हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। हम इस बीमारी वो इन्फ्लुएंजा के ही है, कफ कोल्ड फीवर के साथ पेशेंट वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं और निमोनिया के साथ ही प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अगर ये हमारे यहाँ भी अगर हमारे देश में फैलता है तो पूर्व की तरह हम लोग उसको हम ठीक कर पाएंगे। अभी तो ऐसा नहीं आएगा, और इस हर साल इन्फ्लुएंजा के इस सीजन में हमेशा पेशेंट आते हैंगे, लेकिन अभी जो चाइना में जिस तरह का इन्फ्लुएंजा वैसा कैसे इसको हमारे यहाँ पे VLDL लिया है, हम फिर से RT-PCR करेंगे और उसके द्वारा उसको मालूम कर लेंगे। अभी तो जो अभी जो आए हैं वो केवल बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। शुरू में जो पहली वेव्स आई थी कोविड की, उसमें वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, एडलरली है, डायबिटीज़ है, कैंसर की दवाई खा रहे हैं, कैंसर से पीड़ित है, तो हम लोग एक अलर्ट तो इन लोगों के लिए हम जारी करेंगे कि किस तरह से फिर से एक इन्फ्लुएंजा से किस तरह से जो बचाव के रास्ते हैं, सावधानियाँ हैं, वो फिर से हम लोग जारी करेंगे।